नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गणेश मिश्रा चैनल में। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये पूर्णिमा बहुत खास होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, चंद्र भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। इस दिन की पूर्णिमा बहुत खास पूर्णिमा होती है, उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारियाँ देना चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शरद पूर्णिमा खास क्यों होती है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और वो 16 कलाओं से खिलिया हुआ रहता है। इस दिन कृष्ण भगवान और राधा माता ने महारास किया था, जो 6 महीनों तक हुआ था। इस महारास को देखने के लिए सारे गोपियां पहुंचे थे, उन्होंने उनके साथ भी महारास किया था और साथ ही उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा की थी, माता राधा की पूजा की थी और गोपियों को भगवान कृष्ण ने बहुत वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो इसलिए आज के दिन यानी कि चंद्रमा पूर्णिमा 2020 में चंद्रमा पूर्णिमा शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को है, दिन शुक्रवार है। 5:27 से ही चंद्रमा आपको दिखने लगेगा। कहते हैं कि इस दिन साधु महात्माओं पूरे रात भर जागरण करते हैं, पूजा करते हैं, कृष्ण विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, इसलिए इन दिनों यानी इस दिन पूर्णिमा के दिन आपको रात भर जागरण किया जाता है। हर जगह कृष्ण राधे के मंदिर में जागरण होता है और पंडित वगैरह सारे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। कहते हैं कम से कम इस दिन 12 बजे रात तक हमेशा जागना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता पृथ्वी पर आती हैं और वो देखती हैं कि कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। तो जागने वालों को ज़रूर वरदान मिलता है, क्योंकि माता उन्हें माता की जो पूजा करते हैं और जो जागरण करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा उन्हें हमेशा प्राप्त होती रहती है। और इस दिन जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई वो कभी निर्धन नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए चंद्रमा की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। बहुत जगह साधु महात्मा इस दिन औषधि बनाते हैं, बहुत सारी औषधि बनाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी एक औषधि है। कहते हैं कि इस दिन खीर बनाना चाहिए और उस खीर को आपको चंद्रमा के आगे रखना चाहिए, यानी कि आप हो सके तो अपने छत पर रख कर किसी छलनी से उसे ढक लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि इसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तभी ही इसमें औषधि गुण होगा, ये एक प्रसाद बनेगा। तो आप शाम में सबसे पहले खीर बना लीजिए और चंद्रदेव को उसे अर्पित कीजिए और उसे छलनी से ढक लीजिए ताकि उसमें चंद्रमा की शीतलता उसमें आए। उसमें कहते हैं कि आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से ऐसी शीतलता निकलती है कि वो साक्षात अमृत की तरह होता है। और जो लोग इस खीर को चढ़ाने के बाद उसे रात भर रहने दे और सुबह नहा धोकर एक चम्मच कम से कम भगवान की जगह रख दीजिएगा, लक्ष्मी माता की जगह या तुलसी माता की जगह आपको रखना है थोड़ा सा। उसके बाद आप इसे सारे घर वालों को देकर आप खुद भी ग्रहण करें जो बनाते हैं, जो चढ़ाते हैं, और सारे घर को इसको लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि इसे लेने से साल भर की बीमारियां आपकी दूर हो जाती है। कहते हैं कि चंद्रमा इस दिन नज़दीक रहता है तो जैसे कोई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कोई चिड़चिड़े रहते हैं तो वो और भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और भी डिप्रेशन में हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इस प्रकार उस दिन पृथ्वी के नज़दीक रहता है, भारी रहता है तो उस पर असर डालता है, बहुत को बेचैन रहते हैं। तो इसलिए इस खीर को वो लोग ज़रूर खाएं। कहते हैं कि जिसके बच्चे हकलाते हैं
जल्दी बोल नहीं पाते हैं, तो उनको ये खीर का भोग आप जरूर दीजिएगा। कहते हैं कि इससे बुद्धि भी तीव्रता से बढ़ती है और बच्चे तेज होते हैं, तो आपको इस खीर का भोग अपने बच्चों को भी जरूर देना चाहिए। इस दिन कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जिनकी नई नई शादी होती है, वर वधु लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और वो लोग माखन मिश्री का भोग चढ़ाते हैं, सुपारी पान पत्ते ये सब चढ़ाकर ये सारे प्रसाद को वितरण करते हैं। कहते हैं कि इस दिन मखाना भी खाना चाहिए, क्योंकि ये भी चंद्रमा यानी ये वाइट होता है तो ये प्रतीक होता है चंद्रमा का, इसलिए इस दिन मखाना भी अगर खाएंगे तो आप निरोग रहिएगा। तो यही थे मेरे कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी। कहते हैं कि इस रात को एक बाल्टी पानी रख कर उस पानी से अगर नहाया जाए अगले दिन, तो वो लोग निरोग रहते हैं और जिनके काम वगैरह नहीं बनते हैं, जैसे शादी ब्याह में भी दिक्कत होती है बहुत जगह पे, तो वो इस पानी से जरूर नहाए। इससे चंद्रमा भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, आपको लक्ष्मी माता की भी कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन बिल्कुल सुख समृद्ध हो जाएगा। इस दिन तुलसी माता की भी पूजा की जाती है, तो प्लीज़ आप लोग कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत हो जाती है कार्तिक की और उस कार्तिक में तुलसी माता का पूजा हमेशा किया जाता है, आप लोग जानते हैं। मैं कार्तिक की मास की भी पूरी जानकारी आपको दूंगी, सारे बताऊंगी कि आपको कैसे विधि से पूजा करना है, क्या करना है। तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए, प्रणाम, बोलिए शरद पूर्णिमा, जय लक्ष्मी माता की, जय चंद्रदेव की। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार।